हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पोहा, वो भी बिल्कुल स्पेशल तरीके से। ये देखिए, यहाँ मैंने पोहा ले लिया है, इसको अच्छे से धो लिया है। ध्यान रहे, इसमें पानी नहीं छोड़ना है। धोने के बाद इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। यहाँ लिया है बारीक कटा हुआ टमाटर, प्याज, पुदीने और धनिया की पत्तियाँ, पीनट और कैश्यूज और हरी मिर्ची बारीक कटी हुई। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने पैन ले ली है, पैन में कुकिंग ऑयल डाल लिया है और अब हम इसमें पीनट और कैश्यूज डालेंगे। इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इनको रोस्ट होने में कम से कम भी 30-40 सेकेंड लगेंगे। ये देखिए, पीनट चटकने लगा है और जो कैश्यूज है उनका रंग हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे पैन से बाहर निकाल लेंगे। और इसी सेम ऑयल में हम डालेंगे मस्टर्ड सीड और जीरा। देखिए, दोनों अच्छे से चटक रहे हैं। तभी हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज। हमें ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का ही इसे भूनना है। और तभी हम इसमें डाल देंगे, देखिए ये बिल्कुल जरा सा इसमें कलर आया है, ब्राउन हुआ है। हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है। बारीक कटा हुआ टमाटर, टमाटर को भी हमें हल्का ही रखना है, हल्का ही चलाना है, बहुत ज़्यादा मैसअप नहीं कर देना है। हरी मिर्ची हल्दी और स्वाद अनुसार नमक, सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर दे और अब जो हमने पोहा धोकर तैयार किया है वो हम इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ध्यान रहे, इसमें कोई और पानी ऐड नहीं करना है। इसे अच्छे से चलाकर हमें मिक्स करते जाना है और बहुत ज्यादा देर नहीं चलाना है। बस ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और बस इतनी ही मेहनत में हमारा टेस्टी पोहा एकदम से तैयार हो जाता है। अगर हम इसमें पानी छोड़ेंगे तो ये फिर खिला खिला नहीं बनेगा। अब देखिए कैसे एक एक पोहे का दाना अलग अलग हो चुका है और ये बिल्कुल अच्छे से तैयार है। गैस ऑफ कर देंगे, इसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। और अब हमने जो पीनट और कैसूस लिए हैं वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़े हम मिक्स कर देंगे, साथ में डालेंगे पत्ती। और थोड़े जो पीनट हमने बचाए हैं वो हम गार्निशिंग में यूज करेंगे। तो देखिए किस तरीके से
इतनी आसान तरीके से पोहा तैयार है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी जरूर बताएं। धन्यवाद।